यमी हॉट चॉकलेट फज मिल्क कभी बनाया है घर पे और एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ? नहीं ना, तो आइए बने रहिए मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं आज सिखाने वाली हूँ हॉट चॉकलेट फज मिल्क। बट उससे पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट। चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दूध कटोरी में मिक्सिंग के लिए, थोड़ा सा, एक बड़ा कप दूध में, ये ऑलमोस्ट एक बड़े ग्लास जितना दूध है, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका ऑप्शनल है, ये सिर्फ थिकनिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अगर आप एकदम क्रीमी और बाजारी तरीके का चाहते हैं तो वो इससे होगा। डेढ़ चम्मच है हमारा कोको पाउडर। फिर मैंने ली है चॉकलेट्स, ये है मेरी डार्क चॉकलेट, आप कोई भी अपनी पसंद की ले सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, डेढ़ चम्मच है मेरी चीनी, और हमारा है चॉकलेट सिरप, ये भी ऑप्शनल है, ये फॉर गार्निशिंग है। तो आइए बनाते हैं हम अपना चॉकलेट मिल्क। सबसे पहले पैन में लेना है मुझे दूध, कटोरी वाला भी मुझे नहीं लेना है, और इसे मैंने बॉयल आने देना है। ये मेरा कच्चा दूध है, आप बॉयल्ड दूध भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध से क्रीमीनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाय द टाइम इसमें उबाल आ रहा है, मैं अपने ये जो सा कटोरी वाला दूध है उसमें डाल दूंगी अपना कोको पाउडर, अपना कॉर्नफ्लावर, और इसे कर दूंगी अच्छे से मिक्स। ये जो सा मैंने इसमें दूध लिया है ये बिल्कुल ठंडा है, रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं, गर्म नहीं लेना है आपको, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना देना है ताकि कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे दूध में। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा, मैं देखिए ये आपको पता चल जाएगा ये बॉयल आने वाला है, मैं सिम से करूँगी और रेगुलर स्टर करते हुए पहले मैं डालूंगी अपना चॉकलेट और अपनी चीनी और दालचीनी, और इसे दे देना है मुझे अच्छे से स्टर जब तक कि ये मेरा चॉकलेट भी मेल्ट हो जाए। याद रखिए हमें इसे रेगुलर चलाना है, हमें रुकना नहीं है, नहीं तो ये चिपक सकता है। सिम से ही मैंने किया हुआ है अभी। ये जैसे ही मेरा चॉकलेट मिक्स हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी अपना ये कॉर्नफ्लावर और अपने कोको पाउडर का भी पेस्ट, बट पहले मुझे इस चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करना है। अब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की बात कर रही थी, कोको से तो कलर तो आएगा, टेस्ट भी आएगा, लेकिन जो थिकनिंग है वो आपको पता चलेगा कि मैं कोको से क्या बात कर रही थी। अगर आप नॉर्मल चॉकलेट मिल्क कहेंगे तो वो इस कंसिस्टेंसी का रहेगा, चॉकलेट ही दोनों बनेंगे, लेकिन क्या है कि कॉर्नफ्लावर के बिना ये कंसिस्टेंसी रहेगी। लेकिन अगर मैं जैसे कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, अब ये देखिए मैं पेस्ट डालने वाली हूँ अपना, इसे एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से स्टर रेगुलर करना है, नहीं तो लम्स पड़ सकते हैं। रेगुलर स्टर करते रहिए, सारा शिफ्ट कर दूंगी अपना मिक्सचर। ये देखिए कॉर्नफ्लावर डालने से कैसे अच्छे से ये ग्लेज आ जाएगा आपको पता चलेगा। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालते हैं दिस इज द स्टेज कि आपका सर्व हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज 2 से 3 मिनट बाद आप देखिएगा ये कितना स्मूथ लगेगा और कितना क्रीमी हो जाएगा ड्यू टू कॉर्नफ्लावर। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कहीं ये ज़्यादा नीचे ना लग जाए तो आप सिम भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसे 2 से 3 मिनट हुए हैं तो मैंने सिम भी कर दिया है, मैंने तेज पर नहीं रहने दिया है, बस 1 मिनट और मैंने अच्छे से चलाना है और ये हो जाएगा रेडी। ये देखिए इसमें बहुत अच्छा बॉयल आ गया है, अब हम इसे बंद करके करते हैं सर्व अपने चॉकलेट सिरप डाल के। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा चॉकलेट मिल्क, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। लीजिए तैयार है मेरा चॉकलेट मिल्क, जिसे मैंने सर्व किया है चॉकलेट शेविंग्स के साथ, आप नहीं तो ग्रेटर से भी कर सकते हैं, मैंने घर पे ग्रेटर के साथ ही किया है और चॉकलेट सिरप के साथ। तो इंजॉय कीजिए, अपने आप भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।